राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब एमएलसी चुनाव में क्लीन स्वीप करने के मकसद से रणनीति तैयार कर रखी है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव वाली गलती फिर ना दोहराई जाए, इसके लिए अखिलेश यादव भी पहले से ही अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार चुके हैं, ताकि 13 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में संख्या बल के हिसाब से कम 3 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत सके। राज्यसभा के बाद उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुहर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 13 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव के लिए नामांकन आज से ही शुरू हो गया है और वोटिंग 21 मार्च को होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 36 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है। बीजेपी से मौजूदा सदस्यों को भी मौका मिल सकता है, तो वहीं आरएलडी से एक प्रत्याशी को मौका मिलेगा। साथ ही एक सीट पर अपना दल एस के प्रत्याशी होंगे। वहीं महिला चेहरे को भी मौका मिल सकता है। तो वहीं 10 सदस्यों में जातीय समीकरण तो नजर आएगा ही, साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी भी साफ तौर पर दिखेगी। यूपी में एमएलसी की 13 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। अगर बात करें सियासी दलों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का पैनल भी तैयार कर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 10 प्रत्याशी बीजेपी उतारने के मूड में नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने 36 नामों का पैनल तैयार किया है और बीजेपी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 10 प्रत्याशी एमएलसी के चुनाव में उतारेगी। वही समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं, जिसमे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्री बलराम यादव और आलम उर्फ गुड्डू जमाली का नाम है। लेकिन राज्यसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी यहाँ भी अगर एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारती है, तो फिर विपक्षी पार्टियों में टूट फूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक 24/7 कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव में अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को, जो विभिन्न क्षेत्र में काम करते हैं, विभिन्न वर्ग में काम करते हैं और जिनके कार्यों के अनुसार पार्टी उनको विधान परिषद में समायोजित करती है, मुझे लगता है जल्दी वो लिस्ट आएगी और जल्दी नामांकन होंगे और जल्दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन रिक्त सीटों पर विधान परिषद में सम्मानित होंगे। ये वाले जो चुनाव हो रहे हैं द्विवार्षिक, इसमें एमएलए जुट करते हैं और मैं समझता हूँ लगभग 32 वोट चाहिए होगा एक एमएलसी बनाने के लिए। तो 32 तो नहीं है ना, न कांग्रेस के पास है ना बसपा के पास है, तो प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा उनका। हाँ, जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जो चुनाव होंगे टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसमें दलों का प्रतिनिधित्व होगा। संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो एक एमएलसी प्रत्याशी को जिताने के लिए 33 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास 288 वोट हैं। ऐसे में बीजेपी और सहयोगी दलों को मिलाकर 10 एमएलसी प्रत्याशियों को आसानी से विधान परिषद पहुंचा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 एमएलसी को परिषद में भेज सकती है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस कम विधायक होने के चलते एक भी सीट नहीं जिता सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।